बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंद कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार जोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने माज राग दी वार दे विच एक शब्द उचारिया सिद्धां दे वास्ते पहरा अगन हिवै कर बाधा भोजन सार कराई। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। एह सलोक सुन के सबै सिद्धन सत कर मान गोर खाद ते दीन है बंदे जोरत पान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह श्लोक बयान किया, इस श्लोक दिया बचना नू अर्थ नू सत करके सारिया सिद्धा ने गोरख दे समेत मन्या है और सारिया ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच देन होके नमस्कार किया। अपर सिद्ध सब बिनय आलाम पंगर नाथ ना सीस निवावे। कवि जी कहिंदे ने उस वेले सारिया सिद्धा ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे उत्ते सिर नवाया बेनतियां कीतियां, पर जिहड़ा पंगर नाथ से उसने रता भी कोई बेनती ना कीती और सिर भी ना चुकाया। इस बेद बचन कहत पाता बही पशम सुर सर बही न कभी। सारिया सिद्धा ने आख्या कि तू भी सतगुरां दे चरणा दे विच नमस्कार कर, पर उस वेले पंगरनाथ कह लगा कि इस तरह कदे भी हो नहीं सकता। कहिंदा कि जिस तरीके दे नाल पछम दी दिशा दे वल गंगा नहीं वहिंदी, इसे तरह मैं भी इन्हां दे चरणां दे विच नहीं चुकना। कहिंदा अस्तना प्राची सवता पयो तार पंख नहीं मेर उडायो। कहिंदा अज तक कदे नहीं होया कि जिहड़ा रवि है, जिहड़ा सवता है, जिहड़ा सूरज है, वह पूर्व दी दिशा दे वल जाके छुप जावे। कदे नहीं होया वह पछम की दिशा दे वल छुपदा है। इसे तरीके दे नाल कहिंदा कि अज तक दुनिया दे उत्ते कोई भी पंछी नहीं होया जिहड़ा कि समेर नूं उड़ा सके। हम हैं सिद्ध जे ग्रस्त अगारी नवो करें असमंजस पारी। पंगरनाथ कहिंदा कि मैं सिद्ध हुन्ना हाँ, पूर्ण सिद्ध हाँ, और मैं किसी ग्रस्ती दे अगे बिल्कुल भी नमस्कार कर नहीं सकता। जे मैं चुकांगा किसी ग्रस्ती दे अगे ते बहुत ज्यादा अजोग गल होगी, मैं नहीं चुकना। उड़े ओ आकाश बिखे कह ऐसे जात बेहंग युत बल के जैसे। ग्रंथाकार जी कहिंदे ने किस तरह कहिंदा होया पंछियां दे वांग आकाश दे विच पंगरनाथ उड़िया है, इस तरह उड़िया है जिवें कोई ताकत वाला जानवर उड़दा है। श्री नानक लख गर्भ समेता कौंस उड़ाई खोवन हेता। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस नूं निवाउण दे वास्ते भाव के उस दे हंकार नूं
खत्म करने दे वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी खड़ां नूं हुक्म दिता और खड़ां जिहड़ी सी ना ओ फिर उस वेले उड्डी। लगी जाए के सीस मझारी उड्डियो बहुर पीड़ा पी पारी। खड़ां सतगुरां दी पंगन नाथ दे सिर दे विच जाके वजी है। सिर दे विच वजन दे नाल उस नूं बहुत ज्यादा पीड़ा व्यापी दर्द होया। तेह ते ऊची गई खराए सिर में लागी रहो बचाए। हुण जिन्ना पंगर नाथ उच्चा उड़दा है ओदे तो होर भी ज्यादा जिहड़ी सतगुरां दी खड़ां है ओ उड़ जांदी है और सिर दे विच जाके वजदी है। ओ खड़ां तो बचण दा इधर उधर हो के यतन करदा है। जब थिर होवै पुने सिर लागे हटे न कस जे अपर दिश पागे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि जदों भी किते रुकदा है उसे वेले सिर दे विच खड़ां वजदी है। किसी भी तरीके दे नाल जिहड़ी सतगुरां दी खड़ां है ओह पंगर नाथ दा पिछा नहीं छड़दी भावे किसी भी पासे ओ उड्डे। श्री नानक की दिश जब आवे सिर ते कौंस लगन हट जावे। पर जदों उड़दा है सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी वाले पासे उस वेले खड़ां सिर दे विच नहीं वजदी उस वेले हट जांदी है। पर जदों फिर दूसरे पासे नूं चलदा है ते फिर सिर दे विच खड़ां वजदी। जान्यो हृदय न हट्यो खराऊ कर पो रहो न चलत यो पाऊ। पंगर नाथ ने बचन दे बड़े यतन किते बड़िया करामातां दा भी जोर लाया पर उसका जदों कोई उपा ना चलिया ते फिर उसने सोचा कि किसी भी तरीके दे नाल ए खड़ां हटाया नहीं हटदे। पीर पाए हिर दे पछताना मिट्टियों गर्भ बहु पायो लजाना। पीड़ा नू पाया दुख नू पाया फिर बहुत ज्यादा पछताया क्योंकि हिरदे दा जरा हंकार सी ना ओ उस वेले दूर हो गया ते बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होया। हो दीन आवत पायो जह बेदी कुल दीप चरण कमल बंदन करी बैठ्यो होए समीप। बड़ा ही दीन होके बड़ा ही आजज होके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचया है। चरण कमलां दे उत्ते आण के उस वेले उसने वंदना कीती। उस वेले जिहड़ी खड़ां दी वार्ता सी इस नूं विश्व नूर ग्रंथ दे करता ने अपनी सरल कविता दे विच इस तरह बयान कीता। श्री नानक ने काठ खड़ां इक सैन तनाल उड़ाई असमाना दी सेध चढ़ी ओ चढ़दी जिवें हवाई। पंगर नाथ दे मगरे उड्डी काल बनी सिर शूकी काड़ काड़ होई ते पंगर दी खोपड़ी कूकी। त्राह त्राह मैं शरण आप दी तर पुठा ओ टठा करा मात हंकार फेर सब एकदम होया मठा। श्री नानक ने दसिया जो है निरंकार दा हुंदा शक्ति केंद्र नाल जुड़े जद लपक पए बिंज कुंदा। फेर आखदे होछा पन मैं चौंदा नाही विखाना नहीं ता वेख लवो अज ओ कुछ रखे याद जमाना। श्री मुख तो ए बाणी उचरी हैन इशारा कर दे साहिब वांगू ओदिया दाता एक दाता सेवक है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह उस दे मान नूं तोड़िया। गोरख देख बचन को कह यों करवाए बिना नहीं रह। जदों आया उस वेले गोरखनाथ ने आख्या कि तेनू असी बड़ा आख्या सी पर जिन्ना चिर तेरे नाल इस तरह ना हुंदे तू मनना भी नहीं सी ए करवा के तू चंगा रह। कली काल मैं श्री कर तारा नाम जपावन हित तन तारा। गोरखनाथ कहिंदा है कि कलयुग दे विच परमेश्वर दा अवतार बन के ए नानक दे रूप दे विच आए हुए ने
और नाम नु जपाउण दे वास्ते ही इन्हां ने शरीर नु धारण कीता होया। एक सी समता होए न कैसे, बंधन करो भला होए जैसे। हुण गोरखनाथ सारिआं नु कह रहे कि इस नानक दी कोई समता कर नहीं सकदा, इस करके सारे दे सारे इन्हां दे चरणां दे उत्ते वंदना करो तां कि किसे तरीके दे नाल साडा भला होवे। नीके बचन सुनो पुन कहो, तत ज्ञान को उर में लहो। कहिंदा कि चंगे बचन बिलास इन्हां दे नाल करो और इन्हां दे बचनां नू सुनो, इस तरीके दे नाल ही तत ज्ञान दी प्राप्ति हो सकदी। लखियो कली में पाय अवतारा, तरन कीन तन सिर कर तारा। ग्रंथाकार पाए संतोख सिंह जी लिखदे ने कि उस वेले सारिआं ने जाणिआ कि कलयुग दे विच ये अवतार बन के आए होए ने और इन्हां दा जिहड़ा शरीर है ना, एक करतार दा परमेश्वर दा शरीर है। नाम जपाए पुमान उधार है, जह तह कीरत धर्म विचार है। गोरखनाथ कहिंदा है कि नाम दा जाप करवाउणगे और बहुते सारे जिहड़े पुरश ने उन्हां नूं इह तारणगे, जिथे किथे धर्म दा विस्थार ते कीर्ति फैलाउणगे। होत समान न या के को, गत दायक शरदा तार जो। कहिंदा है कि जिहड़ा भी शरदा नूं धारण करेगा उस दे वास्ते मोक्ष दे दाते बनगे और इन्हां दे समान होर कोई हो भी नहीं सकदा। बिन प्रभ हमें न जीत सकाई, या ते सत जान्यो जग राई। कवि जी कहिंदे ने कि उस वेले सारिआं सिद्धां ने यह समझिया कि बगैर प्रभु तो भगवान तो सानू कोई जित नहीं सी सकदा, इस करके इन्हें जितया है, इस करके ये संसार दा मालक है, ये भगवान है। इस बेदतारी प्रतीत और कर बंधन जग तेश, बिदा सिद्ध होए सर्ब कह आदेश आदेश। इस तरीके दे नाल सारिआं ने प्रतीत नूं धारण कीता है और सतगुरां दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीती है। इस तों बाद सारे ही सिद्ध सतगुरां तों आग्या लै के विदा होए ने, आदेश आदेश नमस्कार नमस्कार कहिंदे होए चले गए। सब चर्चा जे वर्णन कर हो, ग्रंथ बढ़न ते और मैं डर हो। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि सिद्धां दे नाल बहुत सारी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी चर्चा हुई, जिन्हों के सिद्ध गोष्ट आख्या जांदा है। कवि जी कहिंदे ने कि मेरा ग्रंथ जिहड़ा लिखिया होया किते बहुता ज्यादा वध ना जावे, इस करके मैं बहुता बयान नहीं कीता। बौर न पार सो पायो जाई, श्री गुर जेतक चर्चा गाई। कहिंदा जे होर भी ज्यादा लिखदा ते फेर भी जिहड़ा पारा वार है ना ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਰਚਾ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਮੇਲਾ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਹੋਰੀ, ਗਮਨੇ ਮਾਨਵ ਨਿਜ ਨਿਜ ਠੋਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਡੀ ਬਾਲਕ ਪੱਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਆਰਨ ਸੁੱਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਰ ਲਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੱਲ ਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਹਾਏ। ਮਿਲ ਜੋ ਤੁਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਕਹਿ ਮੁਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਮ ਕਹਿ ਸਭ ਮੈਂ ਲਖ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜੋ ਤੁਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਕਹਿ ਮੁਖ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि जेड़ा तेनू मिलेगा वह मोक्ष का अधिकारी बनेगा। वाहे गुरु तुम कहो सब में लख, कहिंदे के सारयां दे विच परमेश्वर नू जान के तू वाहे गुरु दे नाम दा उचारण करया। बसो तात निज तातनी पास जाए तुम तात, बहु नर को पवतार हो पुण गत है बखियात। गुरु जी कहिंदे ने अपने पिता दे कोल ते अपनी माता दे कोल हे पुत्र जाके वस, बहुतियां सारियां मनुखां दा तू इस संसार सागर तो उधार करेगा, अखीरले वेरे तेनू भी मोक्ष दी प्राप्ति होवेगी। मान बचन श्री जगतेश्वर को गद गद है तुर पानिज कर को। मन के बचन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा ओ लड़का गदगद होया है, निहाल होया है और अपने घर दे वल चलिया गया। केतक सेवक संग सिधारे जग गुर परविशे पुर करतारे। इस तों बाद अपने सिखां सेवकां नूं नाल लैके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी वापस करतारपुर दे विच पहुंच गए। केतक काल प्रभ दीन दयाला रहे तहां बैठे धर्म साला। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि किन्ने ही दिन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जो दीना दे उत्ते दया करन वाले दयालु ने वह करतारपुर दे विच रहे और हमेशा सतगुरु जी धर्मशाला दे विच रहिंदे। होत कीर्तन निस दिन पासु दर्शन संगत कर अरदासु। कीर्तन रात ते दिन हुंदा रहिंदा है सतगुरां दे कोल, संगतां सतगुरां दे आण के दर्शन करदियां ने और अरदासां करदियां। तार कामना जो योर आवे दर्शन कर त्यों से सब पावे है। कामना नू तारन करके जेड़ा भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे आण के दर्शन करदा है उदियां मन दियां कामनावां गुरु जी पूरियां करदे। ग्राम नगर सगरे पुर माही ले श्री नानक नाम सराही। लागे लागे दे पिंडां शहरां दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जस दियां गल्लां मशहूर होईयां, सारे ही लोग गुरु जी दी शलाघा करदे। सुन कर मालो शेख प्रशंसा गयो निकट बेदन अवतंशा। जदों सतगुरां दा जस बहुता ही ज्यादा फैलिया उस वेले मालो शेख सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे दर्शनां दे वास्ते करतारपुर पहुंचे, जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मानो के वेदी कुल दे अवतंश ने, वेदी कुल दे एक गहने मात्र। कर सलाम बैस्यो तव पासू बूजन लगियो मतसर जासू। मालो शेख सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल गया है, जाके उसने सलाम अलैकुम आख्या है और उसके मन दे विच मानो के मत्सर बड़ी सी, ईरखा बड़ी सी। हिंदू बड़े के तुरक बतावो उत्तम कहते मतो सुनावो। क्योंकि शेख मालो मुसलमान सी इस करके हिंदुआ दे नाल ओ बड़ी ईरखा रखदा सी। जाके उसने सतगुरां नूं सवाल किया कि दसो हिंदू वड्डे ने के तुरक वड्डे ने, तुसी उत्तम हो तुहाडा मता भी उच्चा है, दसो के हिंदू तुहाडे हिसाब दे नाल वड्डे ने के तुरक वड्डे। कहिंदा शुभ गत कैसे प्राप्त होए तुमरी उस्तत कहे सब कोए। कहिंदा के लोग तुहाडी बड़ी उस्तति करदे ने, बड़ी तारीफ करदे ने, इस करके दसो के शुभ गति दी किस तरीके दे नाल प्राप्ति हो सकदी। सुन के श्री गुर बचन बखाने इस बिद बूझे जे अन जाने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने शेख मालो नूं आख्या, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने जेड़े इस तरह की गल आण के पुछदे ने ना हे शेख, वो ते बहुत वड्डे अणजाण हुंदे ने, जिन्हां नूं कुछ भी नहीं पता हुंदा, जेड़े इस तरह का सवाल करदे ने कि हिंदू वड्डा है कि तुरक वड्डा है।
और मैं परम सुमत नहीं पाई। द्वया पक्ष हिंदू तुर्क दृढ़ाई। गुरु जी कहिंदे ने जेड़े मनुख इस भरम दे विच फसे हुए ने उन्हां नूं श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति अजे तक नहीं हुए। जेड़े के दो पक्षां दे विच फसे हुए ने कि हिंदू वड्डे ने कि तुर्क वड्डे ने। गुरु जी कहिंदे ने इस तरह के पुरश ते अणजाण हुंदे ने। तत वस्त को जान नाही चगरे बांध दावे माही। ऐसे मनुख तत चीज नू अजे तक समझ नहीं सके हुंदे और ओ पक्षवाद दे झगड़ियां दे विच ही दावियां दे विच ही बन्ने हुंदे। कहिंदे ने इनको गति नहीं प्राप्त होए जम को डंड सहै नित सोए। जेड़े गुरु जी कहिंदे ने कि इस तरह की अवस्था के मालक ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਣਤ ਗਾਇਓ ਜਰ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖਾ ਬੋਲਿਓ ਜਿਹ ਕੋ ਅਣਖ ਵਸ਼ੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜਬਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਓ ਜਿਹ ਕੋ ਅਣਖ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਖ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾਏ ਸਿਰਜੇ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਇੱਕ ਸਿਮਰੈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਥਕ ਰਹਿਤ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਵੈਤਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਪੱਛਮ ਮੁਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀ ਕਰਹੀ ਨਿਜਮਤ ਦੋ ਭਲੋ ਉਚਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਦਿਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਤ ਪਾਕ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਣ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ ਉੱਤਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਮਹਾਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਮ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਸਭ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਈ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਾਇਓ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਦ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ
ते श्री कबीर जी करके भगत कबीर जी दे बाबत लिखे है। सो मेरा सिर्फ कहने तो पावे है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि उन्हां दी महिमा बड़ी वड्डी सी और उन्होंने आख्या कि कबीर दे विच भगत दे विच और राम दे विच कोई भेद नहीं। तिसने दोनों को समझावा भरी बात सो परम बटावा, उन्हें दोवां फिरकियां नूं समझाया और भली प्रकार दे नाल परम नूं मिटाउण दा यतन कीता। जग में जन्म तुरक कर पायो सुन तू ज्यो तिन वर्णन कियो। जग दे विच तुरकां दे घर दे विच जन्म होया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि हे शेख मालो तू सुन कि उन्हां ने की कुछ वर्णन कीता भगत कबीर जी ने। एक माटी एक ने करे एक जोत सब माहे, एक सो बनियो बनाओ तह परमो और मैं नाहे। गुरु जी कहिंदे ने भगत कबीर जी ने इस गल दा खुलासा कीता है कि एको माटी तो सारे दे सारे बने हुए ने और एको ही जिहड़ी परमेश्वर दी खुदा दी जोत है वह सारिआं दे विच विराजमान है। सारा जिहड़ा बनाव है वह सिक्के दा बनाया होया है। इस करके मन दे विच भरमना नहीं चाहीदा, भुलना नहीं चाहीदा, क्योंकि प्रभाती राग दे विच भगत कबीर जी ने लिखिआ है अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिआ कौन भले को मंदे। इस तो अगे जाके इसे ही शब्द दे विच भगत कबीर जी कहिंदे ने माटी एक अनेक पांत कर साजी साजन हारे। मिट्टी दे जिहड़े पुतले ने इह मिट्टी तो बने ने और अनेकां तरीकियां दे नाल साजन वाले परमेश्वर ने इस दी साजना कीती। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि कबीर जी ने आख्या एक माटी एक ने करे, इको माटी दे इको ने बनाए हुए ने, एक जोत सब माही और इको ही जोत सारिआं दे विच विराजमान। एक अंकार खुदाए सो राम रहीम ना दोए, पूले बांदे पाख जो जन्म मरण में सोए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने एक अंकार भी उही है, खुदा भी उही है, राम भी उही है, रहीम भी उही है। गुरु जी कहिंदे ने दो चीजां नहीं है। भूले बांदे पाख जो जन्म मरण में सोए, भुले ने जेड़े पख बात दे झगड़े करदे ने, ऐसे जेड़े मनुख ने ना ओ जन्म ते मरण दे गेड़ दे विच पए रहिंदे। देह कूर कूरे एह दावे हिंदू तुरक मने जे मनावे। गुरु जी कहिंदे ने कि जेड़ा हिंदू ते तुरक दे मन नूं अपने मन दे विच समझदा है ओ झूठा है, झूठी ही जेड़ी देह है और झूठी ही देह दे नाल ऐसे दावे बने हुए। घट फूटे क्या नाम कहोगे तन दावे बिन जबे रहोगे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी शेख मालो नु सिख्या दे रहे ने, कहिंदे ने घट फूटे क्या नाम कहोगे। घट तो पावे के जरा शरीर रूपी भांडा जदों घड़ा तेरा भर जाएगा, ਇਹ ਫੜ ਜਾਏਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਤਨ ਦਾਵੇ ਬਿਨ ਜਬੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਾਲ ਏਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮੁ ਦਾਵੇ ਕਰੇ ਪਖੰਡਨ ਧਾਮੁ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਦਾਵੇ ਕਰੇ ਪਖੰਡਨ ਧਾਮੁ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ। जगत झूठ मैं झूठे दावे दृष्ट मान सब ही बिन सावे। गुरु जी कहिंदे ने संसार झूठा है, संसार दे विच रहण वाले मनुखां दे दावे झूठे ने। जो भी कोई दृष्ट मान है, जो भी कोई देखिया जांदा है, एक दिन सारे दा सारा नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अस विचार मालो और करिए चह जे भला प्रम को पर हरिए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने हे शेख मालो इस तरह दी विचार नूं अपने हिरदे दे विच धारण कर, जे अपना भला चाहुणा है ते सारे भरम नूं दूर कर दे। कुमात बेदारन दिया उपदेशा
कृपा दृश्य देखी जग तेशा। उस वेले सतगुरु नानक दे सचे पातशाह जी ने खोटी बुद्धि नू दूर करन दे वास्ते उस नू उपदेश दिता ते कृपा दी मेहर दी नजरी दे नाल सतगुरु नानक देव सचे पातशाह जी ने उस नू देखिया ते शेख मालो नू निहाल कीता। किस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सचे पातशाह जी दे चरणा दे विच शेख मालो पहुंचिया और किस तरह उस ते कृपा हुई इस नू सरल कविता दे विच बयान कीता है विश्व नूर दे करता ने इस प्रकार। श्री नानक दा जस फैलिया दूर तक, आ रहे शरण अनेक अचरज सरूर तक। आया मालो शेख कान जम मेटने, रूते पए हनेरे ताई समेटने। बैठा निकट हजूर मनो प्रसन्न सी, आखे ओ जबान जो अंदर जन सी। वड्डा दसो कौन हिंदू के मुसलमान, मजहब केड़ा सच दसना गुणी निदान। श्री सतगुर फरमावन वड्डा मनुख है, जो वित रोको वख उसे नू सुख है। सतगुरु नानक देव सचे पातशाह जी ने इंज आख्या। कहिंदे ने परम तत् नू जेड़ा नहीं पछाणदा, करदा है प्रचार तरफ के पाणदा। जिन्ना विच गवार असल तो लांभ हो, उक्का नहीं मनुख वधाए सूग जो। जे सच पुछे शेख दए ध्यान चा, एथे कोई भी हिंदू मुसलमान ना। पुछे मालो फेर जे सच्चा ना कोई, रचना दसो आप इना दी क्यों होई। श्री नानक फरमाया शेखा सोचना, जिथे दंभ पखांड उथे धर्म ना। धर्म ना मतलब साफ जोड़े जो रब विच, ओ है सच्ची सांझ लोचदा सब विच। जिथे अखना साफ अते मन विथ है, समझो उथे शैतान रब लया मिथ है। एका मेर प्यार धर्म दा मूल ने, नेकी सच आचार धर्म दी चूल ने। इकसे सब विच तत इको ही जोत है, जीवन दाता एक ही जीवन स्रोत है। धर्म विच ना तड़ा कदे प्रधान होए, वंड वितकरा इसनु ना प्रवान होए। बिनसर हार शरीर ने दावे कूड़ दे, सच्चा इको करतार सच्चे सद विगस दे। अल्लाह अते अकाल एक दे नाम दो, आराम अते रहमान विच नहीं भेद को। चिन्ह तदे मंजूर जे खंडन कूड़ नू, बनन जे ओ पाखंड ता मंडन कूड़ तू। सतगुरु जी कहिंदे ने हिंदू मुसलमान जिन्ने सच मन्या, उसे मन नू जित बदी मूह भन्या। करनी ते करतूत ही चंगी सबस तों, बाकी निरी घड़ूत सो उठे नफस तो। नफस मारना कठन मगर जे ए मरे, सागर ए संसार मनुख सौखा तरे। हुन मालो ने शंके हुए निवृत ने, जाग पया मनुख अंदरों सुरत ए। अखा ने हुन साफ ते मन भी साफ ए, वीर सबे मनुख ने उसनू जाग पए। स्वाद अंदरों जाग पया रस आ रहा, मन मौला विच रंगिया सिर झूम रहा। इस तरीके दे नाल गुरु जी दी कृपा शेख मालो ते होई। दम बकदन के बचन ते आनंद सदन सुन बैन, पर पंकज पर पर रहो हर खत और पी चैन। दंबा दा नास करन वाले दे जदों उसने बचन सुने ते आनंदित हो गया, उस वेले सतगुरां दे चरण कमलां दे उत्ते खुशी दे नाल उस शेख मालो ने नमस्कार कीते और मन दे विच चैन आ गया, शांति आ गई। होए दीन मन बिना बखानी, अब जाने तुम श्री गुण खानी। बड़ा ही दीन हो के शेख मालो कहिंदा कि हुण जाणिया है कि तुसी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पूर्ण गुणा दी खान हो। पायो मरी दंगरावर केरा, बचन सुनत प्रम मिट गयो मेरा। कहिंदा है कि अज तो बाद मैं तुहाडा मरीद बन गया हां, मैं तुहाडा चेला बन गया हां, क्योंकि तुहाडे बचना नु सुन के मेरे मन दा जिहड़ा भरम भुलेखा सी ना ओ दूर हो गया। हो खुदाए मूरत तारे आए,
द्वावे तैत पखंड मटाए। कहिंदा है कि तुसी खुदा दी मूर्ति नूं धारण करके आए हो, सारे दे सारे दावे द्वैश दे भाव ते पखंडा नूं तुसी मिटा दिता है। अब तुम पीर पए हो मेरे, उपजी शांत दर्श को हेरे। तुहाडे दर्शनां नूं करके मेरे मन दे विच शांति पैदा होई है, अज तो बाद तुसी मेरे पीर होए। मोरे और नव रव रूप तुम्हारा, बचन किरण युत करो बसारा। दृष्टांत दे नाल प्रमाण दे नाल कहिंदा है, कहिंदा कि मेरा जिहड़ा हिरदा है ना, एक विशाल आकाश दे वर्गा है, और सच्चे पातशाह मेरे हिरदे रूपी आकाश दे विच तुसी सूरज बन के प्रकाशमान हो, और तुहाडे जिहड़े बचन ने ना, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਬਸੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। ਦਿਪੈ ਸਦੀਵ ਮੋਹ ਤਮ ਨਾਸ਼ੂ, ਕਲਮਲ ਉੱਡ ਕੋ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਲ ਦੇ ਉਡਗਨ ਨੇ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮਿਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਮੁਝ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਰਗਾਹ ਕੋਇਆ ਦਰ ਤਹ ਪਾਵਈ, ਜਿਹ ਨਕਾਰ ਕਿਤ ਨਾਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਹ ਕੇ ਲੱਛਣ ਮੁਝੈ ਸੁਨਈਏ, ਜਿਹ ਤੇ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨਾ ਪਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ। ਬੋਰੋ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਦੁਆਤੀ ਦਾਵੇ ਜੇ ਮਨ ਅਟਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਦਾ। ਪਾਣਾ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨਿਓ, ਕਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਵਖਾਨਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਆਦਰ ਸਰਵ ਸਥਾਨਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸਮ ਮਾਣ ਅਪਾਨਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਕਾਰ ਤੇ ਕੋ ਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੋ ਸਾਚ ਬਗੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇ ਸਮ ਕਰਤ ਬੇਚਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਪੀਰ ਥਾਪ ਨਿਜ ਸੋਏ, ਪਾਇਓ ਮਰੀਦ ਅਧੀਨ ਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲੋ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਤਕ ਦਿਓਸ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੂ, ਗਯੋ ਸ਼ੇਖ ਕੁਣ ਆਪਣ ਅਵਾਸੂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲੋ ਹਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ।
ठहर रती फिर जोड़ हाथ यूं पुछदा कौन जो पुज दरगाह है आदर पावदा मुस्काए गुरदेव कया गुण खान मन जिस दुई ना द्वैष ओही परवान हुकम सत लय मन हुकम विच तुरे जो नाम च जाए रम दुई तक खुरे जो सिमरन सेवा सच जिदा आदर्श है जिस दे अंदर सोग वियोग ना हर्ष है हाजिर है करतार जिदा मन मन्या तन ते भोग विसार है मन नू सन्या सब था ओ परवान रब मंजूर हो विकसिया अंदर प्यार सची मखरूर हो छेक होया प्रसन्न दोए फड़ चरण फिर हरखे हंजू वहन लगा मन ठरन फिर पहली वेरा जाग आई ते जागया सच दे दीदार दे लई अनुरागया रया कई दिन पास संगत विच परचिया सुट्टी परे गिलान मनुखतव उबरिया हिंदू मुसलमान सबे हुन अपने मालो दी अख ताई लगे ने जापने हुन शेख मालो दे वास्ते हिंदू ते मुसलमान इको वर्गे होए ने ओदी जिहड़ी दृष्टि है ना एक समान बन गई रेदे तारे श्री नानक त्याना बैठे जहनुत करे बखाना हुन शेख मालो अपने घर दे विच वापस परत गया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे ध्यान नूं हमेशा ही ओ अपने मन दे विच धारण करके रखदा है जिथे भी शेख मालो कदे बहिंदा है ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जस नूं ही बखाण करदा है इस जगह दे उते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपने इस अध्याय दी समाप्ति करके नवे अध्याय दा प्रारंभ करदे ने इक दोहरे दे नाल इस दोहरे दे विच ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने अपने मन नूं संबोधन कीता गोर गोबिंद सिंह सिमर नित अपर न जाहे समान जियत राज सुख सर्वदा मर तुम मुकंद दे दान ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने के सतगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं सदा सिमर हे मेरे मना जिन्हां दे तुल समान होर कोई भी नहीं है जो जिउंदियां सर्वदा ऐश्वर्य दा सुख देंदे हन ते मरिया मुक्ति दा दान ओ प्रदान करदे श्री अंगद सुन कथा महाना मालो मीत हो तो एक खाना हुण भाई बाला जी सुना रहे ने साखी कहिंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी सुनो सतगुरां दी महान कथा नूं मालो मीत हो तो एक खाना शेख मालो दा एक बहुत गूढ़ा मित्र सी दोस्त सी सो जब मिलन हेत टेगे आवा करके हरख सलाम अलावा शेख मालो दा जरा मित्र सी ओ शेख मालो नू मिलन दे वास्ते आया और उसने आणके शेख मालो नू सलाम कीती बैठो निकट तरे अनुरागा तब हर के गुण गावन लगा जदों शेख मालो दे कोल उसदा मित्र बैठिया उस वेले शेख मालो गुरु जी दे गुणा दा गान करन लगा सुनो यो बेर खां जो खुदाए नानक नाम कहायो जाए शेख मालो दा जरा मित्र सी उसदा नां सी उबारे खां कहिंदा है शेख मालो हे उबारे खां सुनो जिहड़े खुदा दा अज तक ना सुनिया है मैं उस खुदा दे प्रतख रूप दे विच दर्शन कीते ने नानक दे नाम दे विच खुदा प्रगट होया जे गुण नाग राज नित गावत तदप नहीं पार को पावत उबारे खानु शेख मालो कहिंदा है के जेड़े खुदा दे गुणा नू गान करदा है नागराज नागा दा राजा भाव के शेष नाग कहिंदा के जेड़े खुदा दे गुणा नू शेख नाग भी वर्णन करदा है पर फिर भी पारावार नहीं पौंदा उस दा मैं खुदा दा दर्शन कीता है सो कैसे मैं मुख ते पाखो
सदा नाम कोई और मैं राखो। शेख मालो कहिंदा कि मैं उस खुदा दे स्वरूप दा दर्शन कीता है, मैं अपने मुंह दे नाल उस दी उस्तुति कदे भी कर नहीं सकदा। कहिंदा कि सदा मैं उस दे नाम नूं अपने हिरदे दे विच सांभ के रखां। तुम्हें अब जाओ दर्श को करिए, और को सर्व परम पर हरिए। शेख मालो उबारे खान नूं कहिंदा है कि तू हुण जाके उस खुदा दा जाके दर्शन कर, हिरदे तों सारे जिहड़े भरम ने ना उहनां नूं दूर कढ दे। आस सुन श्री गुर केर प्रशंसु, तूरन चलियो खान जिस बंसु। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि जदों शेख मालो ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी इस तरह दी उस्तति कीती, उस वेले काली दे नाल जिस दी पठान जाती है उबारे खान दी, वह सतगुरां दे वल चलिया गया। आए सलाम अलैकुम करके बैठियो निकट हर खियोर पर के। उबारे खाने आण के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नू सलाम अलैकुम आख्या है, और भावना नू तर के खुशी नू तारण करके सतगुरां दे लागे बह गया। कहियो बड़ो मत हिंदू तुरका, उचरो तपा भेद निज उरका। हुण जिस तरह दा सवाल कीता सी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नू शेख मालो ने, इसे तरह दा सवाल उबारे खाने भी आण के कीता है। कहिंदा कि दसो हिंदू मत वड्डा है कि तुरक मत वड्डा है, ये तपा जी तुहाडे मन दे विच किस तरह दा भेद है, अपने भेद नू खोल के दसो। श्री गुर पाणियो पख जे दोउ, चार दिवस के जानो सऊ। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता, कहिंदे ने हे उबारे खां, ये जिहड़े हिंदू ते तुरकां दे पखवाद ने ये चार दिनां दे ने, इस तों बाद सारा कुछ खत्म हो जांदा। देह मृतक माटी रल जाहे, मूर्ख बादा जन्म गवाह है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि आखिरकार जिहड़ी देह है मनुख दी, ओ मिट्टी दे विच रल के मिट्टी बन जाती है। मूर्ख सारी उम्र झगड़दे रहिंदे ने हिंदू ते तुरकां दा पखवाद दावा बन के। ओले मग पावै नहीं, जान रे पद सोए, सुख प्राप्त तिन होत है, मानत आयस जोए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता कि जिहड़े परमेश्वर दे राह तों भुल्ले होए ने, ओ अखीर दे विच नरकां दे विच सुट्टे जाणगे। सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने उन्ना ही मनुखां नूं सुखां दी प्राप्ति हुंदी है जिहड़े मानो के मनुख आग्या दे विच चलदे ने, प्रभु दे रज़ा दे विच राजी रहिंदे। प्रेम भगत कीरत गुण गावत, सो जग में नहीं आवत जावत। गुरु जी कहिंदे ने जिहड़ा मनुख प्रेमा भगती करदा है, कीर्ति करदा है, परमेश्वर दे गुणां नूं गाउंदा है, ऐसा जिहड़ा मनुख है ना, उह संसार दे उत्ते आउंदा जांदा नहीं। बंदा होए बंदगी करे, भूखण नाम कंठ में तरे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने जिहड़ा मनुख अपने आप नूं बंदा कहाउंदा है, उहनूं चाहीदा है कि बंदा बंदगी करे, और परमेश्वर दे नाम रूपी गहने नूं अपने कंठ दे विच गले दे विच धारण करे। बुजुर्ग संगत समा बितावै, दिल ते दावा दूर गवावै। चाहीदा है कि बुजुर्गां दी संगत करे, संतां दी संगत करे, उसे दे विच अपने समय नूं बतीत करे, ते दिल तों दावयां दा भाव दूर कढ दे। सिर जे इक सम सिर जन हारू, बांदे दावे कूर गवारू। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि खुदा दे वलों, प्रभु दे वलों, सिरजन वाले दे वलों इको जे सारिआं दे शरीर सिरजे गए ने, पर कहिंदे ने अगे आण के जिहड़े मनुख ने ना उह झूठ दे दावे बन लैंदे ने, ऐसे मनुख गवार ने, मूर्ख ने। करत बाद दोउ खप जाए, बेन मग पाए नरक सदाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने जिहड़े बाद करदे ने उह खप के मर जांदे ने, भावे बाद करदे ने तुरक उह वी मर जांदे ने, भावे बाद करदे ने हिंदू उह वी मर जांदे ने, बिन मग पाए नरक सदाए। गुरु जी कहिंदे ने रौला इह नहीं है
कि कोई हिंदू है या तुर्क है। गुरु जी कहिंदे ने जिहड़ा परमेश्वर दे रस्ते नूं नहीं फड़दा भावे ओ होवे हिंदू ते भावे होए ओ मुसलमान नरक सदाए। जिहड़ा श्रेष्ठ रस्ते नूं नहीं फड़दा ओ नरकां दे विच जांदा। पर में पूले आवे जाई सतगुर मिले ता देहे बताई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने पुले होए ने परमा दे विच आउंदे ते जांदे रहिंदे ने, जिन्ना चिर पूर्ण सतगुरु दी प्राप्ति नहीं हुंदी उन्ना चिर इस चीज दा ज्ञान भी नहीं मिलदा। सुनत उबारे खान को प्रेम पायो मन आए कहे तपा जी चरण निज मोको दर्श दिखाए। जदों सतगुरां दे बचनां नूं सुनिया उबारे खां ने उस वेले कहिंदे ने कि मन दे विच प्रेम बहुत ज्यादा वधिया है और अर्ज कीती है उबारे खां ने, कहिंदा हे नानक तपा जी कृपा करके अपने चरणां दा मैनूं दर्शन करवा दिओ। जैसा श्रवण सुनियो मैं तुमको तैसे दर्श पायो बिन गम को। कहिंदा कि जिस तरह दा मैं कन्नी तुहाडी बाबत सुनिया सी उसे तरह दा मैनूं तुहाडा दर्शन होया। पायो बिन गम को भाव के तुसी गम तो रहत हो, तुसी आनंद स्वरूप हो और मैनूं तुहाडा दर्शन होए। मोर मनोरथ पूरा स्वामी करो कृतार्थ अंतर जामी। कहिंदा है कि मेरे मन दा मनोरथ हे स्वामी जी पूरा करो, हे अंतर जामी जी मैनूं कृतार्थ करो, मैनूं निहाल करो, अपने चरण कमलां दा मैनूं दर्शन करा दिओ। आसन कर असीन श्री नानक सब शरीर पर वस्त्र सो तानक। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहिंदे ने आसन दे उत्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठे होए सन और अपने सारे शरीर नूं चादर दी बुकल दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ढकिया होया सी। इस करके बार बार अर्जा करदा है कि अपने पवित्र चरण कमलां दा मैनूं दर्शन करा दे। सुनी बिन कर नानद जावही निज पग बाहर निकासे तबही। जदों उबारे खां दी बेनती सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सुनी उस वेले सतगुरां ने चादर तों बाहर अपने चरणां नूं कढ़िया। जिन को मुनि जन ध्यान तरत है सुर सुरिंद जेह नमो करत है। कवि जी कहिंदे ने कि उन्हां चरणां नूं सतगुरां ने बाहर कढ़िया जिन्हां चरणां दा ध्यान नूं धारण करदे ने वड्डे वड्डे मुनि जन साधना करदे ने स्वर्ग दे देवते इंद्र दे समेत जेड़े चरणां दी छोह नूं मनना चाहुंदे ने ऐसे सतगुरां ने चरण चादर तों बाहर कढ़े। सिख सेवक जेह अनक उधारे कवि तिन पर जावत बले हरे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहिंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे उन्हां चरणां ने जिन्हां ने कि अनेकां ही सिखां नूं उधार दिता ऐसे चरणां दे उत्ते मैं बलहार जाना हां। कवि जी कह रहे मगन प्रेम में हो कर तभी उचारे खान सिर तर जान्यो सफल निज चरण गहे निज पान। प्रेम दे विच उबारे खां मगन होया उसे वेले उसने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते अपने सिर नूं लाया और नाले अपने हत्थां दे विच चरणां नूं फड़े। लोचन मुख पर निज कर दोउ फेर तपा हरखत और सोउ। अपनी अखां दे उत्ते अपने मुंह दे उत्ते फिर उन्हें अपने हत्थां नूं फेरिया और खुशी होया। बार बार जोग चूमन कर ही मानो महा मोह को दही। बार बार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलां नूं चूमदा है मानो कि इस तरह करन दे नाल वड्डे गाड़े मोह नूं ओह नाश कर रहे। निज स्वरूप की लखता होई नास्यो हो तो परम और जोई। अपने निज स्वरूप दी उबारे खां नूं लखता हो गई है भरम दा हनेरा जिहड़ा सी ना ओह दूर हो गया। तार के शरदा पायो निहाल पाव बंधन छूटे जम जाल। हिरदे दे विच शरदा नूं तारण करके उबारे खां निहाल हो गया है उस वेले मानो के सारे दे सारे जिहड़े जमजाल सन ओह उस दे टुट गए ने। संसार दे जिहड़े बंधन ने ना
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ। ਮਾਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਪਿਆਰਾ, ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਉਬਾਰਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਪਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੋਚੇ ਦਰਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੂਰਾ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਦਾ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨੇੜੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਝਗੜੇ ਚੇੜੇ। ਮਾਲੋ ਆਇਆ ਜਦ ਵਰ ਸੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਖੀਵਾ ਥੀ ਕੇ, ਆਖੇ ਹੋਇਆ ਦਰਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਫਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਵਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੱਕਣੀ, ਵਾਹ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਲਣੀ। ਕੁਫਰ ਨਾ ਆਖਾਂ ਆਪ ਖੁਦਾਓ, ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦੀ ਰੱਬ ਵਿਖਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਿਰਾ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਦਰਵਦਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਹੈ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕੋ ਚਾਤ ਪਾਈ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਖੰਨਿਆ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਖੀਵਾ ਹੋ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨਾ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਅੱਖੀ, ਵੇਖੇਗਾ ਠਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਖਾਲੀ ਏ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਖਾਣੂ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਉ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਣੂ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਣੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਬੈਠਾ ਆਖ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਦਿਲੜੀ ਦਾ ਮਹਿਰਮ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੁਮਦੜਾ ਚਿਹਰਾ, ਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤੱਕਣੀ, ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮੁਖ ਪਖਣੀ, ਰੱਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਦਾਰਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਕੁਝ ਡਿੱਠਾ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਸਿੱਠਾ, ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬਾਂ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਜੀਲੀ ਕਾਂਤੀ, ਬੋਲਣ ਮਨੋ ਮਿਹਰ ਰੱਬ ਵਸਦੀ। ਸੁਣੋ ਸੱਜਣੋ ਮਜ਼ਬ ਸਭੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਣੇ ਚੰਗੇ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਰੱਬ ਇੱਕੋ, ਸਭੇ ਉਪਜੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਿੱਲਰ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਈ ਜਦ ਗਈ, ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਦੇਸਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਟੋਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਸਭ ਸੱਕੇ ਵੀਰੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ, ਫਰਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈ। ਜਾਤ ਜਨਮ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਪਛਾਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਦੀ ਦਾਰੀ, ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਈਏ ਸਰਦਾਰੀ। ਜਾਤ ਜਨਮ ਦੀ ਕਾਣ ਮਿਟਾਈ, ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੁਕਾਈ, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਨੇਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੋ, ਕਰਨੀ ਗਾਖੇ ਫੇਰ ਪਿਆਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹਦੀ ਮਲੰਗਾ, ਸਭ ਕਬੂਲ ਜੇ ਪੱਲੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕੂੜੀ ਆਸ। ਉਥੇ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਥਾਉ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਏ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਦਾ ਕੰਨੀ। ਮਜ਼ਬ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਵੇ, ਧਰਮ ਉਹਾ ਜੋ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਉਹਾ ਜੋ ਠਾਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਜਿਆਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨੂ, ਆਈ ਜਾਗ ਸਵਾਰੇ ਖਾਨੂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਟਲਿਆ, ਘਾਟ ਗਗਨੰਤਰ ਦੀਪਕ ਬਲਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਗਾਸ ਬੁੱਧੀ ਹੋਈ ਉਜਲੀ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਦ ਜਾਗ ਪਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਿਜ ਹਰ ਮੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ, ਵੇਖਣ ਹੀ ਕੁਝ ਦੀਦੇ ਮੇਰੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮੇ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਭੈ ਅੱਜ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਮਗਜੋਂ ਚੌਧਰ ਪਰੇ ਹਟਾਈ, ਫਲਿਆ ਬੂਟਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਾਰੇ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ
हारे हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार। हे संता के सदा संग ने धाराया धार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीज नाम दान राखो ही है परोय। याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम। उन द्वादस गुरिंद को मेरी है प्रणाम।